गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की ई विमर्श सीरीज में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम एंड डूइंग योर स्टडीज थ्रू ऑनलाइन मोड। इन द कोर्स GPS 6001 वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इन माई प्रीवियस प्रेजेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू मैथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व के प्रस्तुति में हमने ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बारे में अध्ययन किया था। बेसिकली ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज रिलेटेड टू प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड थ्रू दैट टेक्निक यू कैन कलेक्ट प्राइमरी डाटा एंड यू कैन एनालाइज योर रिजल्ट्स। इन दिस टेक्निक यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। इंटरव्यू टेक्निक इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइमरी डाटा कलेक्शन। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि इंटरव्यू अर्थात आमने सामने की प्रक्रिया में, यानी दो मनुष्य आमने सामने बैठ करके किसी तरह से शोध के तथ्य संकलित करते हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यूअर होता है, साक्षात्कर्ता होता है, और दूसरी तरफ इंटरव्यू ही होता है, साक्षात्कृत होता है या सूचनादाता होता है। जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो अपने शोध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संकलन इस तकनीक के माध्यम से कर सकता है। यह तकनीक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा, शोधकर्ता द्वारा, कई प्रकार के तथ्य जो विभिन्न दूसरी तकनीकों से संकलित नहीं किए जा सकते हैं, वो डेटा भी यहाँ पर कई बार शोधकर्ता कलेक्ट कर सकता है। क्योंकि आमने सामने की स्थिति में शोधकर्ता द्वारा, रिसर्चर द्वारा जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सकता है, और उनके अंदर छिपी हुई जो सूचनाएँ होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, जो उनके एटीट्यूड्स होते हैं, उन सबको वह निकाल सकता है। तो इस तरह से इंटरव्यू टेक्निक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक स्टूडेंट्स। एज यू नो इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट टू पर्सन्स आर सिटिंग विद फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को सामने दोस्त यहाँ पर जो है लोग बैठे, उनमें से एक दूसरे के साथ वो कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं। दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। simply we can bifurcate the interview word in two words, inter and view. You can see here in slide the term interview can be dissected into two terms as inter and view. The essence of interview is that one mind tries to read another mind. It means एक माइंड के द्वारा दूसरे माइंड को जो है स्टडी करने का यहाँ प्रयास किया जाता है। इंटर यानी एक व्यक्ति जो शोध करता है वो कमोबेश क्या करता है, जो आप रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके अंदर के जो व्यूज हैं उन व्यूज को निकालने का प्रयास करता है। इट मींस पीपल की जो ओपिनियन है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो आइडियाज हैं, उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं बाहर निकाल करके उनके जो तथ्य हैं उन तथ्यों का संकलन करने का प्रयास किया जाता है। इन एन इंटरव्यू ऑल फॉर्मेलिटीज आर लेड डाउन and the gate is opened for delivering into the intellectual's emotional and subconscious mind of the respondents. It means जो respondents होते हैं उनके subconscious mind में आपके द्वारा प्रवेश किया जाता है, और उसके through आप जो है अपने शोध से संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों का संकलन करने की कोशिश करते हैं। यह जो पद्धति है वो कई मायनों में जो प्राइमरी शोध होते हैं, जो प्राथमिक तरह के शोध कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए, या जो मौलिक शोध कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस तकनीक के माध्यम से जो एक रिसर्चर होता है, वह रिसर्चर अपने कई प्रकार के जो तथ्य जो कि दूसरी तकनीकों से संकलित नहीं किए जा सकते, उन तथ्यों को कई बार जो है एक तरह से निकालने की कोशिश करता है। जो आवेग होते हैं, जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो रुझान होते हैं आदि को एक तरह से आमने सामने बैठकर वार्तालाप की स्थिति में कई बार संकलित करने का प्रयास किया जाता है। तो सिंपली जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इट मीन्स दो व्यक्ति आपस में फेस टू फेस संपर्क के द्वारा, समटाइम्स यू कैन नॉट सी, जैसे यदि हम आज बात करें तो आज कई और माध्यम हैं जिसके द्वारा इंटरव्यूज किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर आपस में शोधकर्ता और जो रेस्पोंडेंट है उसमें आपस में दोनों में संपर्क होना जरूरी है, आपस में एक दूसरे से बात करना जरूरी है। तो इस तरह से जो इंटरव्यू टेक्निक होती है वो जो
लोग जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी जो ओपिनियन होते हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को एक दूसरे से एक तरह से शेयर करके उसके आधार पर जो डाटा जनरेट किया जाता है उसको हम इंटरव्यू टेक्निक में शामिल करते हैं। तो साक्षात्कार के द्वारा एक रिसर्चर जो है अपने शोध से संबंधित विभिन्न तथ्यों का संकलन बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम दो डेफिनेशंस जो स्कॉलर्स हैं उनकी दो डेफिनेशंस हम देख सकते हैं। इसमें एक तो पॉलिन वी यंग की डेफिनेशन है, द इंटरव्यू में बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक मैथड बाय विच अ पर्सन एंटर्स मोर और लेस इमेजिनेटिवली इन टू द इनर लाइफ ऑफ ए कंपेरेटिव स्ट्रेंजर। इट मीन्स पी वी यंग कहते हैं कि एक जो शोधकर्ता होता है वो साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से कल्पनात्मक रूप से एक तरह से जो एक अजनबी होता है उसके लिए, शोधकर्ता के लिए, उसके अंदर के जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसकी इनर लाइफ में प्रवेश करने का प्रयास करता है। इट मीन्स उससे तथ्य संकलित करने का प्रयास करता है। सिमिलरली गुडे एंड हैट ऑल्सो डिफाइंड द इंटरव्यू मैथड। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हैट, इंटरव्यूइंग इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। इट मीन्स साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हैट, साक्षात्कार अंतःक्रिया की, सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से दोनों ही जो विद्वान हैं वो एक तरह से इस बात को मान रहे हैं कि साक्षात्कार द्वारा एक तरह से जो अंतःक्रिया होती है, दो व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं और उसके द्वारा जो है जो तथ्यों का जनरेशन होता है वो प्राइमरी डाटा होते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू टेक्निक के द्वारा, साक्षात्कार पद्धति के द्वारा आप विभिन्न तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। यह तकनीक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा कई बार ऐसे तथ्यों को भी संकलित किया जा सकता है या सूचनादाताओं से ऐसे तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं जो साधारणतया जो दूसरी तकनीकें जैसे अनुसूची तकनीक हो या प्रश्नावली तकनीक हो या अवलोकन वाली तकनीक हो, ऑब्जर्वेशन तकनीक हो, उनके द्वारा संकलित नहीं हो पाते। क्योंकि यहाँ पर जो साक्षात्कारकर्ता या जो अनुसंधानकर्ता होता है वो सूचनादाता के समक्ष होता है और उसको एक तरह से सूचनादाता को मोटिवेट करने के लिए या उससे क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने के लिए उसके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इस तरह से साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा विभिन्न जो तथ्य जो कि साधारण तकनीक से संकलित नहीं किए जा सकते वो तथ्य भी आसानी से संकलित हो जाते हैं। तो इस तरह से साक्षात्कार पद्धति, इंटरव्यू टेक्निक जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक होती है और इसमें आमने सामने बैठ करके या और दूसरे माध्यमों से एक तरह से साक्षात्कार करके एक साक्षात्कर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने तथ्यों का संकलन आसानी से कर सकता है। आप भी जब अपना शोध करने जाएंगे तो शोध का यदि नेचर इस प्रकार का है जिसमें प्राइमरी डेटा की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में आप अपने शोध को बहुत अच्छी तरह से इस टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम कुछ टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज की बात करते हैं। साक्षात्कार के कौन कौन से प्रकार होते हैं या किस किस प्रकार के साक्षात्कार हो सकते हैं, वन बाय वन हम एक एक करके इंटरव्यू टेक्निक्स की, हम इंटरव्यू के टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार। जैसा कि पर्सनल इंटरव्यू से तात्पर्य है, इट मीन्स यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो पर्सन टू पर्सन, इट मीन्स रिसर्चर एंड रेस्पोंडेंट दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं और उनसे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है साक्षात्कार किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप डिटेल में एक तरह से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल में जो साक्षात्कृत है या जो इंटरव्यूई है उनसे आप जो है सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। चूँकि आमने सामने की स्थिति में होते हैं उनसे डिटेल क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे आप जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो कंप्लीट एंड अननोन इश्यूज को भी यहाँ पर कैन बी एक्सप्लोर्ड, कंप्लीट एंड अननोन क्वेश्चन इश्यूज कैन बी एक्सप्लोर बाय दिस टेक्निक। आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हैं वो आप इसके द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यूज के माध्यम से, यानी सीधे रेस्पोंडेंट्स के पास जाकर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके आप सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये जो तकनीक होती है लाभदायक तो है, लेकिन साथ साथ पर्सनल इंटरव्यूज में कई बार ये होता है कि आप जो होते हैं, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और कई बार आपको जो है बहुत टाइम लगता है। तो कई बार ये एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक जो है कई बार ये होती है। साथ साथ कई बार पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से कई बार ये टेक्निक जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हो सकती है, लेकिन इसके जो एडवांटेजेज हैं, जो लाभ, उसमें सीधा रेस्पोंडेंट से कनेक्ट करना और उससे जो सूचना संकलन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज टेलीफोन इंटरव्यूज। टेलीफोन इंटरव्यूज भी आप जो है अपने रिसर्च डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली चूंकि तकनीक का जैसे जैसे विकास हुआ है, तो इस पद्धति के माध्यम से भी आप तथ्यों को संकलन कर सकते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू के थ्रू जो है, आप जो रिसर्चर या इंटरव्यूअर होता है, वो टेलीफोन के एक तरफ से बात करता है और दूसरी तरफ से रेस्पोंडेंट्स जो है उसको प्रश्नों के जवाब दे जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या कई बार टेलीफोन इंटरव्यूज के साथ यही रहती है कि आमने सामने जो इंटरव्यूज होते हैं, उनमें तथ्यों का संकलन ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो सकता है या क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। यहाँ पर आप जो सत्यता है उत्तरों की या रेस्पॉन्सेज की, उस सत्यता की या उसकी वैलिडिटी को आप चेक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से टेलीफोन इंटरव्यूज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें थोड़ा समय भी कम लगता है और इसमें आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी अपनी स्वयं की वीकनेस भी होती है। लेकिन यदि आपको जल्दी सूचनाओं का संकलन करना है, तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से टेलीफोन इंटरव्यूज के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी टाइप की तरफ हम चलते हैं। इंटरव्यू का जो तीसरा टाइप है, ये है ग्रुप इंटरव्यू, समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार जो होते हैं, इसके अंतर्गत एक जो साक्षात्कारकर्ता होता है या अनुसंधानकर्ता होता है, वो एक पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ साक्षात्कार करता है। इस पद्धति का SLN मार्शल ने युद्ध की प्रगति पर पुनर्विचार करने के लिए किया था। यह पद्धति, इसके अंतर्गत जो पूरा ग्रुप है वो आपके समक्ष होता है, आप उनसे एक एक करके या पूरे समूह से प्रश्न करते हैं। इस टाइप के अपने लाभ है, क्योंकि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से उनसे जो सही सूचनाएं, क्योंकि एक दूसरे से डिस्कस करके कई बार जो गलत सूचनाएं वो एक तरह से निष्प्रभावी होती हैं और सही सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि कई बार जो प्रभावशाली वक्ता होते हैं, वो जो दूसरे रेस्पोंडेंट्स होते हैं, कई बार उनको प्रभावित करते हैं और कई बार सही सूचनाएं नहीं आ पाती। तो इस तरह से इस तकनीक के अपने लाभ और नुकसान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता है, रिसर्चर पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से सही सूचनाओं को निकलवा सकता है, सही सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये टेक्निक या ये जो टाइप है ग्रुप इंटरव्यू है, इसके माध्यम से भी आप सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इंटरव्यू का, यह है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अक्सर पर्सनल इंटरव्यूज या टेलीफोनिक इंटरव्यूज या ग्रुप इंटरव्यूज, या तीनों प्रकार के इंटरव्यूज हैं, इन तीनों प्रकार के इंटरव्यूज को आप जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के द्वारा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का सीधा सा तात्पर्य यह है कि इंटरव्यू जो होता है वो पहले से प्लान्ड होता है। पहले से प्लान होने का ये मतलब होता है कि आपके पास पहले से एक शेड्यूल होती है। शेड्यूल इट मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होती है, या एक इंटरव्यू गाइड पहले से निर्धारित होती है, और आप उसी इंटरव्यू गाइड को या उसी इंटरव्यू शेड्यूल को जो है यूज़ करते हुए सारे अपने अनुसंधान करते हैं। जितने भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं, बेसिकली यू कैन से द सेम टाइप ऑफ शेड्यूल या सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू यूज़ फॉर ऑल रेस्पोंडेंट्स। आपने सभी रेस्पोंडेंट्स के लिए, आपको सभी रेस्पोंडेंट्स से एक ही प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो शेड्यूल होती है, आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा एक तरह से आप जो है सभी सूचनादाताओं से प्रश्न पूछते जाते हैं और उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। यहाँ पर आपको कम चांस, या जो रिसर्चर होता है उसको ये कम चांस होता है कि एक तरह से अपने जो दूसरे कई सूचनाएं प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज पहले से प्लान्ड स्ट्रक्चर प्लान है, उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ पर मोर यू कैन से देर आर मोर क्वेश्चंस ऑफ क्लोज एंडेड एंड लेस ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन दिस शेड्यूल। इस तरह के जो शेड्यूल्स होते हैं, उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, आई थिंक
आप जानते हो क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्लोज एंडेड मीन्स क्वेश्चंस मीन्स जिनके ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और जो क्लोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो एक तरह से ऑब्जर्व आप कह सकते हैं ओपिनियन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम होते हैं। तो पहले से ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, और वो आप कह सकते हैं कि आपने जो रिसर्चर्स हैं वो इन इंटरव्यूज़ को करके अपने डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू है ये है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं उसमें जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बेसिकली जो है रिसर्चर द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी एक गाइडलाइन रिसर्चर के पास होती है, और उस गाइडलाइन के आधार पर वो रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है। वो पहले से कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर या शेड्यूल उनके पास नहीं होती है, उनके पास कुछ गाइडेड पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर जो है वो रेस्पोंडेंट से प्रश्न पूछते जाते हैं और रिकॉर्ड करते जाते हैं। यहाँ पर कई बार जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखे जाते हैं जिससे कि जानकारियों को अधिक से अधिक लिया जा सके। यहाँ पर रिसर्चर का आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्मार्ट और ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि कई बार रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो कई बार अनावश्यक सूचनाएं भी आपको दे सकते हैं। तो आपको उन अनावश्यक सूचनाओं को हटा के अपने शोध से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करना होता है। तो इस तरह से सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यानी यहाँ पर कुछ गाइडलाइन के साथ आप इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू ये है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के जो इंटरव्यूज होते हैं इनमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास एक इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू गाइड नहीं होती है। विदाउट इंटरव्यू गाइड विदाउट इंटरव्यू शेड्यूल आपके पास कुछ आप कह सकते हैं कि शो से संबंधित जो है कुछ बातें आपके दिमाग में होती हैं माइंड में होती हैं, और उन्हीं बातों के आधार पर आप कह सकते हैं कि आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बेसिकली जो ओपन डिस्कशंस होते हैं वो इस तरह के इंटरव्यूज में शामिल किए जाते हैं, जहाँ पर आपको ओपनली जो है कुछ पॉइंट्स जो है एक तरह से रेस्पोंडेंट्स के सामने रहते हैं रख दिए जाते हैं, और रेस्पोंडेंट जो है अपनी उन पॉइंट्स पर जो अपनी राय अपनी जो ओपिनियन होता है वो ओपिनियन आपके सामने रखता है। तो इस तरह के इंटरव्यूज भी एक तरह से आप कंडक्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एथनोग्राफिक स्टडीज और डेप्थ स्टडीज में इस तरह के इंटरव्यूज को ज़्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू इज फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार। रॉबर्ट के मर्टन और उसके साथियों के द्वारा इसका प्रयोग संचार साधनों के प्रभाव को जानने के लिए किया गया। बेसिकली इस प्रकार के जो इंटरव्यूज होते हैं यानी केंद्रित साक्षात्कार जो होते हैं उसमें सूचनादाता का किसी विशेष परिस्थिति में रहा होना आवश्यक होता है। बेसिकली साक्षात्कर्ता पूर्व में ही एक इंटरव्यू गाइड या एक इंटरव्यू शेड्यूल तैयार कर लेता है, और उसके आधार पर वह जो है सूचनाओं को संकलित करने का काम करता है। यहाँ पर सूचनादाताओं की जो द्वारा जो है एक तरह से जो डेप्थ इंफॉर्मेशन गहरी जो सूचनाएँ होती हैं जो उनके आप कह सकते हैं कि जो इंटर ओपिनियंस होते हैं उन ओपिनियंस को विशेष जो इश्यूज होते हैं उन इश्यूज के बारे में शोधकर्ता के समक्ष रखा जाता है, जिससे कि सही सूचनाएं और ओरिजिनल जो मौलिक सूचनाएं हैं मौलिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू ये है वो है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज, अनिर्देशित साक्षात्कार। जो अनिर्देशित साक्षात्कार होते हैं आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की तरह होते हैं, जहां पर सूचनादाताओं से कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उनके सामने कुछ स्थितियों को रख दिया जाता है, और उसके बाद जो है एक तरह से सूचनादाता जो शोधकर्ता होता है शोधकर्ता के द्वारा उन सूचनाओं का संकलन जो भी उनके काम की सूचनाएं होती हैं उनका अभिलेखन किया जाता है। इस तरह से जो है सूचनादाताओं द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको एक तरह से संकलित किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स जो है इंटरव्यूज के हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टाइप्स इंटरव्यूज के हो सकते हैं, पर बेसिकली इन मोर और लेस जो है दीज टाइप्स आर यूज फॉर दी प्राइमरी डाटा कलेक्शन। यू कैन से पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ग्रुप इंटरव्यूज, और इन्हीं इन पर्सनल टेलीफोनिक एंड ग्रुप इंटरव्यूज के लिए आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को यूज कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड को कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड को कर सकते हैं। कई बार फोकस्ड इंटरव्यूज और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज भी यूज किए जाते हैं। बेसिकली इन सभी टाइप्स को मिक्स रूप में जो है कई बार रिसर्चर्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू यानी जब आप इंटरव्यू करने जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप इंटरव्यूज कर पाएंगे।
तो एक शोधकर्ता जो जो होता है जब वो इंटरव्यू का टाइप चूज कर लेता है, उसके बाद उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो उस इंटरव्यू का प्रोसेस क्या हुआ ये जान ले। तो आप सभी जब शोध कर रहे हैं, शोध करने वाले हैं, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आप एंड करेंगे। तो यदि हम प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू की बात करें, तो इसमें तीन स्टेप्स हैं। तीन स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, साक्षात्कार पर जाने से पूर्व आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो साक्षात्कार की तैयारी की जो मुख्य चीजें हैं वो है, सबसे पहले इसमें जो रोल ऑफ इंटरव्यूअर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो साक्षात्कारकर्ता होता है, चाहे वो रिसर्चर स्वयं हो या रिसर्चर के द्वारा अपॉइंट किसी तरह का इंटरव्यूअर हो, उसका जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले उसको अपने जो फील्ड है या जो एक तरह से एरिया है उसको लोकेट करना पड़ता है, उसकी स्थिति उसके पास रहनी चाहिए। साथ ही साथ उसको अपने रेस्पोंडेंट्स को एनलिस्ट करना पड़ता है, सारे रेस्पोंडेंट्स की सूची आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है, साक्षात्कारकर्ता जो होता है, उसका रोल साक्षात्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसको जो है आप कह सकते हैं कि कुछ मोटिवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स आने चाहिए, उसके उसके द्वारा उसके उसके समक्ष किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन एक तरह से अपने शोध से संबंधित या वो जो स्टडी उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। सभी तरह की चीज़ें उसके क्लैरिफाई होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव जो है पता होना चाहिए। साथ साथ उसमें इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि वो क्वालिटी ऑब्जर्वेशन कर सके, यानी जो एक तरह से डेटा है, क्वालिटी डेटा उसको कलेक्ट कर सके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए जो इंटरव्यूअर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना, इंटरव्यूअर के रोल के बिना जो है इंटरव्यू को एक तरह से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब इंटरव्यू की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें इंटरव्यू की, तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो एक इंटरव्यूअर है जो है जो होता है उसको एक तरह से आप जो है एक तरह से पूरी तरह से तैयार कर दें। और तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रेन द इंटरव्यूअर। आपको जो है इंटरव्यूअर को जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किस तरह से देनी पड़ेगी या क्या क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए, उसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर के समक्ष या रिसर्चर को स्वयं को ये जान लेना चाहिए कि आपकी स्टडी एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले उसको जो स्टडी, उस स्टडी के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो आपकी स्टडी के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप क्यों वो स्टडी कर रहे हैं और उससे संबंधित कई सारे प्रश्न रेस्पोंडेंट्स के हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो इंटरव्यूअर है, साक्षात्कारकर्ता है, उसको एक तरह से पूरी स्टडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यू हैव टू डिस्क्राइब योर स्टडी बिफोर द इंटरव्यूअर्स। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें ट्रेनिंग में आती है, ये है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी। आपकी जो स्टडी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्यों करने जा रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट्स की आप अपेक्षा कर रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कम से कम इंटरव्यूअर को, साक्षात्कारकर्ता को पता होनी चाहिए। तो आपको अपने स्टडी के इंपॉर्टेंस को भी उसके समक्ष एक्सप्लेन कर देना चाहिए। सिमिलरली आपको अपने इंटरव्यूअर्स को जो है सर्वे रिसर्च के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। सर्वे रिसर्च क्या होता है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग जो है इंटरव्यूअर्स के पास होनी चाहिए, साक्षात्कारकर्ता के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है, ये है आपको, आपने यदि शेड्यूल निर्मित किए, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं, तो वो जो शेड्यूल है उसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन आपने निर्धारित किया है, उस प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अपने इंटरव्यूअर को समझाना पड़ेगा, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मीनिंग जो है कई बार अलग अलग हो जाते हैं, जो ओपिनियंस होती हैं ओपिनियंस के अनुसार क्वेश्चन के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए आपको सारे प्रश्नों को अपने इंटरव्यूअर्स को समझा देना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर्स, सभी इंटरव्यूअर्स जो है, और जो आपका इंटरव्यूअर जो है उस प्रश्न को उसी तरह से ले जिस तरह से आप उसको उससे जो है डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, जो साक्षात्कारकर्ता होता है, उसको एक तरह से सारे प्रश्नों की सही जानकारी होनी चाहिए और उनका सही अर्थ उसको ज्ञात होना चाहिए। तो इस तरह से इंटरव्यूअर्स को शेड्यूल भी एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो आपने जो सैंपल लिया है, जो रेस्पोंडेंट्स आपने चूज़ किए हैं, उसके लिए जो प्रोसेस आपने यूज़ किया है और उस प्रोसेस के पीछे क्या लॉजिक आपका रहा है, सैंपलिंग के लिए कौन से मेथड आपने यूज़ किए हैं, वो मेथड भी आपको
इंटरव्यूअर को बता देना चाहिए। जैसा कि आप पहले ही सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ चुके हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने रिसर्च के लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो वो मेथड की जानकारी भी आपके इंटरव्यूअर को या आपको स्वयं को पूरी तरह से होनी चाहिए ताकि रेस्पोंडेंट्स के सामने किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये है वॉक थ्रू द इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इंटरव्यूअर जब फील्ड में जाए इंटरव्यू करने के लिए तो उस कंडीशन में रिसर्चर को जो एक तरह से कम पहले दिन तो या फर्स्ट टाइम तो ये देखना ही चाहिए कि उसके जो इंटरव्यूअर्स हैं वो किस तरह से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, क्या जो पर्पज है आपकी स्टडी का वो पर्पज है, जो डेटा आपको जिस तरह से चाहिए वो डेटा कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से एक पायलट स्टडी या इस तरह से इंटरव्यूअर्स की एक स्टडी पहले से ही करवा लेनी चाहिए ताकि जो डेटा आपको जिस तरह का चाहिए वो डेटा आप कलेक्ट करवा सकें। तो इस तरह से इंटरव्यूअर्स की जो ट्रेनिंग है बहुत ज़रूरी है, तो वॉक थ्रू भी इंटरव्यू का होना चाहिए। और सबसे लास्ट बात जो यहाँ पे ट्रेनिंग और इंटरव्यू और साथी और जब इंटरव्यू जाने से पहले जो चाहिए होती है वो है इंटरव्यूअर्स किट, यानी जो इंटरव्यूअर है उसके पास अपना पूरा एक किट होना चाहिए। किट में क्या क्या सामग्री एक तरह से आवश्यक है, जैसे आप कह सकते हैं कि किट में एक जो पूरा शेड्यूल है उसकी जो सफिशियंट कॉपीज हैं, अनुसूची की जो भी आपने इंटरव्यू गाइड बनाई है उसकी पूरी सफिशियंट कॉपीज उसमें होनी चाहिए। साथ साथ जो रिसर्चर है उसका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए विद आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन का लोगो है उसके साथ, या उसकी जो एक अप्रूवल लेटर के साथ जो है एक पूरा कवर लेटर आपका होना चाहिए क्यों आप रिसर्च करना चाहते हैं। साथ में उनके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, उनके पास प्रोफेशनल नोटबुक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ उनका एक पूरा इस तरह का किट आप तैयार करें जो प्रत्येक इंटरव्यूअर के पास होना चाहिए। तो इस तरह से इंटरव्यूअर्स का किट जो है वो उनके पास इंटरव्यू पर जाते समय होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बातें जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते वक्त जो रिसर्चर्स हैं उन रिसर्चर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है ये है मेन प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। ये इंटरव्यू की साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया है, यहाँ पर सीधा आपका रिसर्चर का या जो इंटरव्यूअर है सीधा उसका इनकाउंटर रेस्पोंडेंट से होता है। तो यहाँ पर बेसिकली मेन प्रोसेस चलता है जहाँ पर आप अपने रिसर्च के लिए तथ्यों का संकलन करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे आप कह सकते हैं जब आपके पास पूरा इंटरव्यू किट है तो अब आपका इनकाउंटर सीधा रेस्पोंडेंट से होने वाला है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये होती है ओपनिंग रिमार्क्स। ओपनिंग रिमार्क्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप जिस तरह से एक रेस्पोंडेंट के सामने अपीयर होंगे और अपीयर होने के बाद जो है एक तरह से आपका जो इम्प्रेशन होगा वो इम्प्रेशन ही आप कह सकते हैं कि आपका अंतिम इम्प्रेशन होगा, उसी के आधार पर आपको किसी तरह के रेस्पॉन्सेज मिलने की संभावना होगी। तो इसलिए आपको ओपनिंग रिमार्क्स में जो है ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हैं ऑनेस्ट होना चाहिए, एक तरह से वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं प्रोफेशनल ड्रेसिंग उस तरह से आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एक तरह से होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है इसमें मेन प्रोसेस में ये है गेनिंग एंट्री। जब आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि हो चुके होते हैं उसी साथ जो है उसके साथ ही आपको एक चीज़ जुड़ी हुई वो है किस तरह से आप उसके इनर माइंड में एंटर करेंगे, किस तरह से आप एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेने के लिए आप सीधे सीधे ये कहने के अतिरिक्त कि मे आई कम इन टू डू इंटरव्यू, ये आप सीधे सीधे ना कह के आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर टाइम। आप जो है उससे एक तरह से पोलाइटली इस तरह से पूछें ताकि आप उसके जो एक तरह से रेस्पॉन्सेज हैं उन रेस्पॉन्सेज को प्राप्त करने के लिए एक तरह से तैयार रहें। यहाँ पर ये कहना आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पहला इम्प्रेशन जैसे मैंने अभी आपको कहा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही एक तरह से अंतिम इम्प्रेशन आपका होता है और उसी के आधार पर एक तरह से तय होता है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो रेस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से जो है आपको कम से कम उसको विश्वास दिलाना होगा, रेस्पोंडेंट को विश्वास दिलाना होगा कि आप जो डेटा कलेक्ट करने वाले हैं ये डेटा जो है वो किसी तरह से उसको बेवकूफ़ बना के कलेक्ट नहीं करना चाहते, या किसी तरह से उसका जो डेटा है वो डेटा किस तरह से आपकी स्टडी में इंपॉर्टेंटली काम में आने वाला और उसके आधार पर आप किस तरह से कुछ बड़े आप कह सकते हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी एक तरह से आपने जो प्रॉब्लम चूज़ की है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आना वाला। कम से कम यहाँ पर आपको उसका विश्वास जो है एक तरह से आपको जीतना पड़ेगा, उस तरह से आप उस आपके आपके द्वारा जो है उसके
आप कह सकते हैं कि एंट्री वहाँ पर लेनी होगी। तो इस तरह से जब आपको एंट्री मिल जाए तब आपको जो नेक्स्ट काम यहाँ पर करना होगा वो करना होगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना नेम, ऑर्गेनाइजेशन और जो उसका पर्पज है वो सब यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट में, एक तरह से 10-20-30 सेकंड में आप कह सकते हैं, 20-30 सेकंड में आपको डिस्क्राइब कर दें कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या है। इसके बाद जो है जब आप इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, वो तैयार हो जाए आपको एक तरह से अपना टाइम देने के लिए, और जब आपको टाइम मिल रहा है तो उस कंडीशन के बाद अब आपको अपनी जो स्टडी है उसको वहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर आई रिकमेंड कि आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन है ये शॉर्ट में ही रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर स्टडी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में उसको स्टडी करें कि आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसके क्या पर्पज़ हैं, तो इस तरह से शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एक तरह से स्टेप आएगा ये है कि अब आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू शुरू होगा। अब आपका जब आप उससे इजाज़त ले चुके होंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो अब उनसे रेस्पोंडेंट से आप प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आस्किंग क्वेश्चन से पहले का जो समय है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप ये सारी चीज़ें, ओपनिंग रिमार्क्स, गेटिंग एंट्री एंड आप इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टडी, ये आप कर लें। उसके बाद जो है क्वेश्चंस पूछना प्रारंभ कर दें। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उनको एग्जैक्टली उनसे वैसे ही पूछें, आस्क क्वेश्चंस एग्जैक्टली एज रिटन, जिससे आपके जो डेटा है वो डेटा सही तरीके से संकलित हो पाए। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस पूछना उनसे शुरू करते हैं और उन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली पूछते चले जाते हैं जिस तरह से आपने वहाँ पर अपने उसमें लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को उनसे पूछते जाते हैं, और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने कि जितने भी क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए हैं शेड्यूल में वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यदि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है रेस्पोंडेंट ना भी देना चाहें, तो यहाँ पर जो रिसर्चर है या जो इंटरव्यूअर है उसका काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर वो उसको मोटिवेट करे, वो विश्वास दिलाए कि उनके द्वारा जो आंसर्स दिए जाएंगे वो सीक्रेटली यूज़ किए जाएंगे, कॉमनली सबके साथ मिलाकर, जितने भी ये सैंपल आपके हैं उन सैंपल के साथ मिलाकर यूज़ किए जाएंगे। पर्सनली उन क्वेश्चंस को कहीं पर भी या उन आंसर्स को कहीं पर भी एक्सप्लोर या उनके नाम से कहीं पर भी एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। कम से कम ये रेस्पोंडेंट को जो है ये बिलीफ होना चाहिए आप पर कि आपके उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है वो सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी और वो आपके दोनों के बीच की ही बातें होंगी, वो कहीं पर भी बाहर एक तरह से नहीं बताई जाएंगी। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको जो है उनसे पूछने चाहिए, कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने चाहिए। और यहाँ पर यदि आवश्यकता लगे तो आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस मेथड में ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि आप जो भी आंसर्स आ रहे उन आंसर्स की वैलिडिटी चेक करने के लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग या सप्लीमेंट्री क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है उनसे प्रत्येक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण आती है, जब इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है तो उस समय एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये है कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग दी इंटरव्यू। कहने का तात्पर्य होता है कई बार जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं और आपको जो है अपनी समस्याओं के समाधान का माध्यम समझ लेते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो है अपने इंटरव्यू को कंट्रोल और डायरेक्ट करना है। कई बार वो भावनाओं में बहकर बहुत डिटेल में जो है आंसर्स देना शुरू कर देते हैं, और जब डिटेल में आंसर्स आते हैं तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत स्मार्टली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेस्पोंडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत स्मार्टली डील करते हुए अपने जो इंटरव्यू के पॉइंट्स हैं वहाँ पर उसको रेस्पोंडेंट को वापस ले आना होता है, ताकि आपका जो समय है वो एक तरह से उसमें ज़्यादा ना लगे। तो उनकी जो भावनाएँ उनको आहत न करते हुए पुनः उनको अपने जो पॉइंट्स हैं इंटरव्यूज़ के उन पर आपको ले आना होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर इंटरव्यूज़ को कंट्रोल और डायरेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये है रिकॉर्डिंग द रेस्पॉन्सेज। यहाँ पर कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग इंटरव्यूज़ को डायरेक्ट करने के बाद, करने के साथ साथ आपके साथ जो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू में है ये है कि आपको साथ के साथ आप जो अपने रेस्पॉन्सेज हैं उन रेस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करते चले जाना। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सब जितने भी जानकारियाँ उसके द्वारा दी जा रही हैं उन सबको आपको जो है
अभी लिखित करना है। यदि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है तो वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा वो नहीं है, स्कोप नहीं है, वहां पर आपको केवल ऑप्शंस को टिक करना है। लेकिन जहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उन रेस्पॉन्सेज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है, यदि आपने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड आप यूज करने वाले हैं तो उसके लिए आपको कम से कम एक डिजिटल रिकॉर्डर आपके पास होना चाहिए जिसमें आप उन रेस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में एक तरह से आप उनको आसानी से उनके उनसे जो है अपने डेटा निकाल सकें। और यदि आप रिकॉर्डर यूज़ नहीं करना चाहते तो कम से कम एब्रिवेशन के साथ जो है आप इंटरव्यूज़ को लिखते चले जाएं, ताकि बाद में सही सूचनाएं आपको एक तरह से आपके द्वारा यूज की जा सकें। तो इस तरह से आप जो है स्मार्टली जो है अपने इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड भी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, तीसरा जो स्टेप है इसमें, यह है क्लोजिंग द इंटरव्यू। आप धीरे धीरे रिसर्चर या इंटरव्यूअर और जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके आपस की जो बातचीत होती है वो खत्म होने लगती है। ना तो रिसर्चर के पास या इंटरव्यूअर के पास किसी तरह से पूछने के लिए कुछ चीज़ें बची होती है, या जो रेस्पोंडेंट होता है उसके पास कुछ चीज़ें बताने के लिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है इंटरव्यू को जो है क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्लोज करते हुए आपको इंटरव्यू को कंक्लूड करना पड़ेगा। आपको एक तरह से उसको कंक्लूड करिए, इंटरव्यू को कंक्लूड करिए। इंटरव्यू को कंक्लूड करते समय इन कई बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो रेस्पोंडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि उनसे जो है आपने सूचनाएं जो हैं ले ली और अपने स्वार्थ की पूर्ति कर ली है। तो यहाँ पर बहुत स्मार्टली कंक्लूड करते हुए आपको जो है रेस्पोंडेंट का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत पोलाइटली आपको जो है उसको थैंक्स देना चाहिए और इस तरह से रेस्पोंडेंट को ये लगना चाहिए कि उसके द्वारा किसी बड़े रिसर्च में, बड़े काम में जो है एक तरह से उसका योगदान दिया गया है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको डोंट बी ब्रस्क और हेस्टी, यानी आपको एक तरह से असिस्टता या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू को क्लोज करते समय। इंटरव्यू को आप बहुत ही पोलाइटली क्लोज करें, बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से। और यदि आपने उससे रेस्पोंडेंट से कुछ प्रश्न पूछे और कई बार जैसे कुछ प्रश्नों के जवाब वह नहीं दे पाया है तो बहुत पोलाइटली उसके लिए नेक्स्ट टाइम आप जो है डिमांड कर सकते हैं कि फिर से कब पुनः मिलकर जो है एक तरह से आप उससे सूचनाएँ संकलित कर सकते हैं। तो इस तरह से पोलाइटली जो है एक तरह से जल्दबाजी ना करते हुए कंक्लूड करें अपने इंटरव्यू को और एक तरह से इंटरव्यू को क्लोज करें। तो इस तरह से धन्यवाद देते हुए आप अपने इंटरव्यूज को क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से इंटरव्यू में ये तीन प्रोसेस जो है होते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये इंटरव्यू मेथड जो यूज किया जाता है इसकी क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्यों किसी रिसर्चर को ये मेथड यूज करना चाहिए। हम मेरिट्स की बात करते हैं इंटरव्यू मेथड के। जो फर्स्ट मेरिट इंटरव्यू मेथड की यह है, मोर इन्फॉर्मेशन एंड ग्रेटर डेप्थ कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी साक्षात्कार पद्धति के द्वारा अन्य पद्धतियों की तुलना में, अन्य मेथड्स की कंपैरिजन में जो है आप ज़्यादा डेप्थ आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अधिक सूचनाएँ संकलित कर सकते हैं, अधिक सूचनाओं को संकलन इसके द्वारा। क्योंकि यहाँ पर आपके पास, चूंकि आप फेस टू फेस होते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, आप जो है लिमिटेड जो आंसर्स होते हैं वो जो आंसर्स की जो लिमिटेशन होती है उसको यहाँ पर तोड़ सकते हैं, और उनसे जो सूचनाएँ हैं उनकी सत्यता की जाँच के लिए बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट पूरक प्रश्न या जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका लाभ है। दूसरा जो मेरिट है ये है, इंटरव्यूअर बाय हिज ओन स्किल कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस। कई बार जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं किसी आंसर को न देने के लिए। यदि आप क्वेश्चनर मेथड यूज कर रहे हैं जो कि बाय पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से रेस्पोंडेंट के पास जाते हैं और रेस्पोंडेंट स्वयं उसको भरता है, तो उस कंडीशन में कई बार आपको सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती है, और वो जिन सूचनाओं को नहीं देना चाहता वो आपके पास सूचनाएं भरकर नहीं आ पाती है। लेकिन इंटरव्यू मेथड जो है उसमें आपको मोर एंड मोर, आप कह सकते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए आप स्वयं वहां पर, या आपका जो इंटरव्यूअर है वो स्वयं वहां पर मौजूद होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सूचनाएँ हैं वो सभी सूचनाएँ जो जिन पर जो है जो रेस्पोंडेंट है वो रजिस्टर कर रहा है उन सभी सूचनाओं को आप भी आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सूचनाएं जो है आप यहां पर इसके थ्रू जो है संकलित कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट है ये है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर जो
रिसर्चर है उसके पास जो है एक तरह से तथ्य संकलन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लचीलापन भी होती है। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी इस दृष्टि से कि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं उन इंटरव्यूज में जो रिसर्चर होता है वो इजीली अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रीफ्रेम कर सकता है, उनको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, या साथ साथ जो है क्वेश्चंस को जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन रेस्पोंडेंट से प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से एक तरह से इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट है ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन इजीली। कई बार रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, उनको कई प्रकार के डर या भय होते हैं कि उनकी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं कहीं आउट तो नहीं हो जाएंगी। कई बार जो दूसरे मेथड्स होते हैं इनमें ये दिक्कतें अक्सर या प्रॉब्लम्स अक्सर आते हैं कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कई बार नहीं देते हैं। लेकिन इंटरव्यू मेथड में चूंकि आप स्वयं वहाँ पर होते हैं और उस कंडीशन में उनको पूरा विश्वास दिला देते हैं कि आप सूचनाएँ उन तक आपकी जो सूचनाएँ हैं वो सूचनाएँ एक तरह से उन तक आप तक रहेंगी और वो बाहर नहीं जाएंगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेरिट है ये है नन रेस्पॉन्स जनरली रिमेन्स वेरी लो। जो नो रेस्पॉन्स वाली स्थिति होती है वो एक तरह से कई बार नहीं होती। कई बार जो प्रश्नावली या अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नावली पद्धति में कई बार सारे प्रश्नों का जवाब कई बार जो है नहीं आ पाता है, सारे क्वेश्चंस का जवाब कई बार नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में वो जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यहाँ पर नहीं होती हैं, यहाँ पर कम पूरी जो सूचनाएँ हैं पूरी सूचनाएँ जो है आपको प्राप्त हो जाती हैं, सारी सूचनाएं या सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर प्राप्त होते हैं। तो नन रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स जनरली रिमेन्स वेरी लो इन दिस मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट लाभ इसका होता है यह है सिंसियरिटी फ्रैंकनेस ट्रूथफुलनेस एंड इनसाइट ऑफ द इंटरव्यूई कैन बी बेटर जज्ड। यानी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं वो आंसर सही है या नहीं है, वो जो रेस्पोंडेंट है कहीं आपके समक्ष जो है झूठ तो नहीं बोल रहा है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दे रहा है, उनको जज करने के लिए आपके पास पूरा यहाँ पर मौका रहता है। आप उनसे जो है एक तरह से क्रॉस क्वेश्चंस के थ्रू या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के थ्रू जो है इन चीज़ों को जज कर सकते हैं और पूरी जो सूचनाएं हैं पूरी सूचनाएं आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सूचनाओं की सत्यता है वो सत्यता को जांचने के लिए भी आपके पास वहां पर समय रहता है और आप इजीली जो है सत्य सूचनाएं या जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट है द लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू कैन बी अडॉप्टेड टू द एबिलिटी और एजुकेशनल लेवल ऑफ द पर्सनल इंटरव्यूड। यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उसके एजुकेशन का लेवल किस तरह का है या वो किस तरह से एक तरह से आपकी बातों को समझ सकता है, तो उसके आधार पर आप जो है सूचनाओं का संकलन आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स के थ्रू उसके लेवल पर जाकर जो है आसानी से प्रश्नों को समझा सकते हैं। कई बार जो प्रश्नावली पद्धति होती है उसमें ये बात लागू नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर वो केवल किसके लिए यूज़ होती है, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो लिटरेट लोग ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं वहीं उन्हीं के लिए क्वेश्चन और मेथड यूज़ कर सकते हैं। पर जो इंटरव्यू मेथड्स हैं वो सभी तरह के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लिटरेट इलिटरेट सभी के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और उनसे जो सूचनाएँ मिलती हैं उन सूचनाओं को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी से इस मेथड के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरिट इसकी है इट्स अप्रोप्रिएट टू डील विद इलिटरेट पर्सन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था तो इलिटरेट पर्सन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप उनसे सीधे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो आपके प्रश्नों को आसानी से क्योंकि आप वर्बल तरीके से पूछ रहे हैं तो समझ जाएंगे और आपके रेस्पॉन्सेज वहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरिट्स थी, लेकिन इसके साथ साथ इंटरव्यू मेथड की कई डीमेरिट्स भी हैं, उन डीमेरिट्स को भी हमको देखना चाहिए और जब हम इस मेथड को यूज़ करें तो उस मेथड को यूज़ करते हुए इन डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए इस मेथड को यूज़ करें और अपने रिसर्च से संबंधित डाटा कलेक्ट करें। तो क्या क्या डीमेरिट्स हैं, सबसे पहले डीमेरिट की हम बात करें तो फर्स्ट डीमेरिट है पॉसिबिलिटी ऑफ द बायस ऑफ इंटरव्यूअर एज वेल एज दैट ऑफ द रेस्पोंडेंट। यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं दोनों के बायसनेस की संभावना इस मेथड में बनी रहती है। कई बार जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो रेस्पोंडेंट्स
उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन या जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बायस्ड होते हैं, और उस कंडीशन में कई बार जो सही सूचनाएं आनी चाहिए, क्योंकि बायसनेस में कई बार सही सूचनाएं नहीं आ पाती हैं, तो वो सूचना नहीं आ पाती। कई बार इंटरव्यूअर जो होते हैं वो भी बायस्ड होते हैं, कई बार वो रेस्पोंडेंट को अपने उस बायसनेस से इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार सही सूचनाओं का संकलन नहीं हो पाता, और जो आपके रिजल्ट्स होते हैं रिसर्च के वो रिजल्ट्स कई बार प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से ये मेथड में एक प्रॉब्लम है। तो जब भी रिसर्चर या जो इंटरव्यूअर जब भी सूचनाएं संकलित करने जाए तो इस बात का ध्यान में रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहे, जो बायसनेस है उस बायसनेस को कम से कम करे। तो इस तरह से बायसनेस को यहाँ पर हटाने के लिए इंटरव्यूअर को जो है वेल ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डिमेरिट इसकी है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। बेसिकली जो पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं वो उनके लिए जो है ये बहुत ही खर्चीली पद्धति होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, टाइम अरेंज करना पड़ता है, और उस मीटिंग और टाइम के समय जो है आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। तो कहीं पर आने जाने के लिए वहाँ पर जो अपने जो साधन है उन साधनों को यूज़ करने के लिए इंटरव्यूअर जो होते हैं उनको उनकी जो भी उनके अलाउंसेस हैं उन अलाउंसेस के लिए जो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग मेथड, आपको जो है समय इसमें बहुत सारा लगता है। इवन इट इज़ ऑल्सो लेबोरियस मेथड, इसमें बहुत सारे श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपको एक अच्छा रिसर्च करना है तो इंटरव्यू मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बट इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसी आधार पर जो आपको इंटरव्यू मेथड डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डीमेरिट है यह है इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स। जो इंटरव्यू मेथड होता है इसके लिए आपकी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इसकी प्रोसेस बताई थी कि इसमें कम से कम जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको किन किन आधारों पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कई बार इंटरव्यूअर यदि ट्रेंड नहीं होता है तो सही सूचनाएँ संकलित नहीं कर पाता है। आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली कुछ जो इंटरव्यूअर्स हैं वो ट्रेंड हो, या रिसर्चर जो है थोड़ा सा साइकोलॉजी का, क्योंकि वही उसको जो है थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रेस्पोंडेंट सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है वो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन से कई बार आपको बता देते हैं। तो आपको कम से कम जो है कुछ स्किल्स जो है रिसर्चर में या इंटरव्यूअर में होनी चाहिए, उसके साथ ही जो है आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और सही सूचनाएं संकलित कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हेडक ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इंटरव्यूअर्स। इस मेथड की ये भी एक समस्या है कि जो इंटरव्यूअर्स हैं, यदि आपका रिसर्च जो है बड़े लेवल का और आपने अपने लिए इंटरव्यूअर्स अपॉइंट किए हैं, तो जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको सुपरवाइज करना और उन पर कंट्रोल कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर जो रिसर्च स्टडी है उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, और कई बार वो जो सूचनाएँ हैं वो सूचनाएँ फील्ड से ना ला फील्ड में जब जाते हैं तो वहाँ से फील्ड में, या तो कई बार आप कह सकते हैं कि एक ही रेस्पोंडेंट से बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स की सूचनाएं वो प्राप्त कर लेते हैं, या कई बार अपने स्तर पर जो सूचनाओं का एक तरह से या शेड्यूल जो है वो भर लेते हैं और गलत सूचनाएं कई बार आपके पास आती हैं। तो यहाँ पर जो रिसर्चर है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कम से कम इंटरव्यूअर्स को सुपरवाइज और कंट्रोल करता रहे, ताकि सही सूचनाएँ जो है आपके पास आ सकें और उसके आधार पर आप अपने रिसर्च को संपादित कर सकें। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंटरव्यूअर्स किसी भी तरह से जो है मिसलीड ना करे, या जो इंटरव्यू गाइड है उस इंटरव्यू गाइड को सही तरीके से यूज़ करे और प्रॉपर रेस्पोंडेंट्स के पास जाकर ही सूचनाओं का संकलन करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरव्यूअर्स है उन इंटरव्यूअर्स को जो है एक तरह से आपको जो है रेगुलरली सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डीमेरिट इसकी है ये है The presence of interviewer on the spot may overstimulate the respondent. कई बार जो interviewer की presence होती है वहाँ पर, वो कई बार एक तरह से जो respondents होते हैं उनको overstimulate कर देते हैं। कई बार कुछ जो respondents होते हैं वो भावनात्मक रूप से वो जो समस्या उससे कई बार बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ऐसी condition में उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी इन समस्याओं का समाधान आपके द्वारा या interviewer के द्वारा किया जा सकता है, तो वो जो उन भावनाओं को, समस्त भावनाओं के आपके सामने रख देते हैं। और कई बार इंटरव्यूअर के सामने ये बड़ी समस्या हो जाती है कि वो उन भावनाओं का सामना किस तरह से करे और किस तरह से उसमें से अपने डाटा का कलेक्शन करे। तो यहाँ पर वही वाली बात आती है, इंटरव्यूअर का जो ट्रेंड होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो ओवर स्टिमुलेट हो गए रेस्पोंडेंट्स उनको कंट्रोल करना भी इंटरव्यूअर्स को आना चाहिए। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से इस कि डीमेरिट हो सकती है, द प्रेजेंस ऑफ इंटरव्यूअर ऑन द स्पॉट में और स्टिमुलेट द रेस्पोंडेंट, बट जो इंटरव्यूअर है उसको एक तरह से इस चीज़ की
ट्रेनिंग रहनी चाहिए कि वो ओवर स्टिमुलेशन को रोके। इसके बाद जो नेक्स्ट डीमेरिट है इसकी, ये है इफेक्टिव इंटरव्यू। प्रीसपोजेस प्रॉपर रेपो विद रेस्पोंडेंट्स दैट वुड फैसिलिटेट फ्री एंड फ्रैक्ट रेस्पॉन्सेज। इट मीन्स जो इफेक्टिव इंटरव्यूज होते हैं उसमें जो रिसर्चर्स या इंटरव्यूअर्स और रेस्पोंडेंट्स हैं उनके बीच में जो एक रैपो बन जाना चाहिए। जब तक ये रैपो नहीं बनेगा, जो फ्रैंक रेस्पॉन्सेज हैं, फ्रैंक रेस्पॉन्सेज, इट मीन्स रेस्पोंडेंट को आप पर जो है कम से कम इतना बिलीव हो जाना चाहिए कि आप जो सूचनाओं को संकलित कर रहे हैं ये सूचनाएँ जो हैं बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टडी में यूज़ होने वाली है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके द्वारा जो सूचनाएँ ली जा रही हैं वो सूचनाएँ उनको बेवकूफ़ बना के या एक तरह से आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए ली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन रेस्पोंडेंट्स में प्रति जो है आप रेस्पोंडेंट्स को जो है आपके प्रति जो है का एक तरह से विश्वास हो जाए, उनके साथ ऐसा रैपो आपको बन जाए कि आप उनके द्वारा समस्त जो सूचनाएं हैं वो आपको दी जा सकें। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि जो ये एक वीकनेस आप कह सकते हैं एक डीमेरिट के रूप में है कि आपका रैपो कई बार ना बन पाए, लेकिन यदि आप इंटरव्यू मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो उस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको एक तरह से प्रॉपर जो है एक तरह से रैपो जो है बना लेना चाहिए। पर अक्सर ये होता है कि जो इंटरव्यूअर जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके बीच इस प्रकार का रैपो कई बार नहीं बन पाता और सही सूचनाएं कई बार नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है सर्टेन टाइप ऑफ रेस्पोंडेंट्स मे नॉट बी इजीली अप्रोचेबल अंडर दिस मेथड। एक आप ये भी प्रॉब्लम कई बार इंटरव्यू मेथड के साथ आती है कि जो कुछ विशेष प्रकार के जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं जैसे हायर ऑफिशियल्स कई बार होते हैं या कई बार ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन तक पहुंच कई बार जो है रिसर्चर्स की संभव नहीं हो पाती, उनसे डाटा कलेक्शन करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इंटरव्यू मेथड की ये लिमिटेशन भी होती है कई बार, और इसके लिए कई बार जो क्वेश्चनर मेथड जो है वो काम में लिया जा सकता है। लेकिन इन डीमेरिट्स के बावजूद यदि हम इंटरव्यू मेथड की बात करें तो इन डीमेरिट्स को हटाते हुए जो इंटरव्यू मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इस मेथड को जो आप जो है यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक तरह से जो आपकी समस्त सूचनाएँ रिसर्च से संबंधित तो उन समस्त सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। इन डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए या इन डीमेरिट्स को एक तरह से रिमूव करते हुए प्रॉपरली जो ट्रेंड इंटरव्यूअर्स हैं या आपके द्वारा जो प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि स्किल्स के साथ जो है इंटरव्यूज किए जाएंगे तो आप अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त कर पाएंगे और उसके आधार पर अपनी जो स्टडीज हैं उन स्टडीज को कर पाओगे। जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको जो है रेफरेंसेस की बात की थी तो यहाँ पर जो है कुछ रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने जो स्टडीज़ हैं उन स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और जो इंटरव्यू मेथड है इस इंटरव्यू मेथड के बारे में आप और अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इन रेफरेंसेस को इसमें कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस हैं तो आप ऑनलाइन जाकर जो है इन स्टडी मटेरियल्स को स्टडी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पर जो रेफरेंसेस दिए गए हैं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो आप ईजिली वहाँ पर जाएँ और ऑनलाइन इन सब रेफरेंसेस को देखें और इस मेथड को और एक्सप्लोर करें और आगे आने वाले जो आपके रिसर्चेज हैं उन रिसर्चेज में जो है इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है इंटरव्यू मेथड है, ये मेथड आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अवश्य जो है बताएं। मेरे जो पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर या जो अपना फेसबुक पेज है उस पर आप लिख सकते हैं या जो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा उस लिंक पर जो है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरव्यू मेथड है, इस इंटरव्यू मेथड को आप यूज़ करते हुए आसानी से जो है आप अपने जो रिसर्च है उस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप उसके द्वारा प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमने दो मेथड्स ऑब्जर्वेशन मेथड एंड इंटरव्यू मेथड को स्टडी किया और इसके द्वारा जो है आप प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दो मेथड्स और बच रहे हैं क्वेश्चनर मेथड एंड शेड्यूल मेथड उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसी तरह से जो है हम स्टडी को आगे बढ़ाएं और न केवल इन मेथड्स के बल्कि आगे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के और जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो COVID-19 है उसकी वजह से हम सब लोगों को घर पर रहना पड़ रहा है और आगे भी शायद अभी इसी तरह से हमको घर से ही स्टडीज़ को अपने करना पड़े, तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने स्टडीज़ को थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसा कि आपके अध्यापक आपको अवेलेबल करा रहे हैं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जो है आप स्टडी करते रहिए और
अपने घर पर रहते हुए सावधानी रखिए और सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच।